अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आप लोगों को खुश आमदीद करती हूँ नॉलेज शेयर उर्दू यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको बेसिक आज जो है वो टाइप ऑफ सेट्स पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 17 की। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो टाइप ऑफ सेट्स देखने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स आ जाते हैं हमारे पास। अब जो सबसे पहले जो हमारी टाइप होती होती है आज होती है वो होती है एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। अच्छा, ये सेट होता क्या है, जिसके वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो हमारे पास। लाइक हम इसको डिनोट जो कर रहे होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट, खाली कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर रहे होते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। देन हमारे पास जो आ रहा है सेकेंड, वो आ रहा होता है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट में हमारे पास होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स की लिमिट होती है। लाइक अगर एक सेट है, ए सेट हम अगर ले रहे हैं, ए सेट है, तो अगर हम लेते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये कहाँ तक खत्म होंगे, 20 तक। तो ये क्या हो गई, ये हमें लिमिट है कि 1 से 20 तक हमने लिखने हैं एलिमेंट्स एक सेट में। देन हमारे पास आ जाती है इससे रिलेट जो करती है इससे अपोजिट, तो आ जाती है इनफिनाइट, इनफिनाइट सेट। इसमें हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स की लिमिट नहीं होती। लाइक इसके अंदर हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 1, 2, 3 एंड ये डॉट डॉट सो ऑन। अब हमें नहीं पता कि सेट जो है वो कहाँ तक खत्म हो रहे हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इनफिनाइट सेट कहते हैं। ये देन हमारे पास जो आ रहा होता है सबसेट आ जाता है। सबसेट, सबसेट को हम डिनोट ऐसे करते हैं। अब सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट बी में आने चाहिए। तो क्या होगा, सेट ए जो है वो सबसेट है बी का। अच्छा, इसमें दो कंडीशंस हो सकती है, या तो हो सकता है ए सबसेट होगा बी का, या हो सकता है बी सबसेट है ए का। ये कंडीशन हो सकती है अगर हमारे पास दो सेट्स हैं। तो अब ए अगर हम इसको ले लेते हैं, अभी सिर्फ ए सबसेट जो है वो बी का है, तो ए के हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं लाइक 1, 2, 3 एंड 4, ये हमने ए के एलिमेंट्स ले लिए, और बी के एलिमेंट्स जो है हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमारे बी के एलिमेंट्स में है। तो इसका ये हुआ कि ए जो है वो सबसेट है हमारे पास बी का। अब सुपरसेट जो है वो इससे ही रिलेट करता है। लाइक सुपरसेट में अब हम ऐसे देते हैं, सुपरसेट का मतलब ये है कि लाइक ए के जो एलिमेंट्स थे वो बी में आ रहे थे, तो ये सबसेट था। अब बी ए का क्या हुआ, सुपरसेट हुआ। लाइक अगर बी हम इसको इस तरह लिखते हैं, अगर हम ये एग्जांपल लें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि बी सुपरसेट क्या है, ए का है, मतलब बी में ए के क्या है, सारे एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास। सो देन हमारे पास जो आ रहा होता है क्या आ रहा था, देन हमारे पास एक सेट आ रहा होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास अगर दो सेट हैं, हम दो ही सेट लेते हैं या तीन सेट हैं, तो सेट ए और सेट बी के जो हम एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। लाइक और इक्वल का साइन ये होता है, तो क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। तो अगर हम ए के एलिमेंट अगर यही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4 लाइक अगर हम ए के ले रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारे पास बी के भी 1, 2, 3 एंड 4 ही होंगे और सेम होंगे, एलिमेंट्स भी सेम होंगे और क्वांटिटी भी सेम होंगी हमारे पास। देन हमारे पास जो आ रहे होते हैं देन हमारे पास इसके अपोजिट या इससे रिलेट जो करता है वो आ जाता है इक्वल के बाद आ जाता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी तो सेम होगी। लेकिन अगर ए के सेट में, ए के सेट में हमने ए बी सी लिया है और बी के सेट में हमने 1, 2, 3, तो इसमें चेंज ही होता है
कि हमारे पास जो ये एलिमेंट है वो इससे रिलेट नहीं करेंगे और ये एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन क्वांटिटी सेम होगी। अगर इसमें तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सेट में, तो इस सेट में भी हमारे पास तीन एलिमेंट ही आएंगे। देन हमारे पास आ जाता है, देन हमारे पास जो सेट आ रहा होता है वो आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट जो है वो हमारे पास रिलेट करता है सबसेट से, जो हमने पहले पढ़ा है। तो सबसेट से रिलेट ऐसे करते हैं कि अब ए के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे पास बी में आते हैं, तो ए जो हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, प्रॉपर सेट हुआ। इसके अपोजिट क्या होता है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सेट ये होता है जो हमारे पास एक्चुअल सेट है। लाइक अगर एक्चुअल सेट में हमारे पास एक सेट है, दैट सपोज कि एक सेट है 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट है, तो इसके इम्प्रॉपर सेट क्या होगा, इसका सेम होगा। लाइक जो हम लोग इम्प्रॉपर सेट बनाएंगे उसमें भी सेम एलिमेंट्स आएंगे और यही एलिमेंट्स आएंगे, क्या आएगा 1 2 3 and 4। लास्ट हमारे पास दो सेट्स रह जाते हैं, लास्ट हमारे पास दो सेट्स होते हैं, सिंगलटन सेट। इस सेट में क्या होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट आएगा। लाइक अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारा सवाल है ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 4। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारा सवाल दिया हुआ है, तो सिंगलटन सेट कैसे बनेगा कि हम इसको a इज इक्वल्स टू लिखेंगे और सेट लिखने हैं प्राइम नंबर्स के बिटवीन 2 to 2 and 4, मतलब जो इसके बिटवीन में आता है। तो हमारे पास प्राइम नंबर्स, इसको हम 6 कर देते हैं, कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमारे पास अपने टेबल में आ रहे होते हैं, तो 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सिंगलटन सेल हो गया। देन हमारे पास जो लास्ट सेल बन रहा होता है वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल सेट वो होता है कि हमारे पास जितने भी सेट से, लाइक सेट ए है, बी है, सी है या डी, सो ऑन है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में हमारे पास तमाम सेट के एलिमेंट्स आने चाहिए। और हम इसे कैसे लिखते हैं, यू, अगर यू हमारे पास, जैसे अगर सेट ए है हमारे पास, उसके है 1 2 3 एंड बी है 2 4 6, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कैसे बनेगा कि इन दोनों के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे, जैसे 1 2 3 4 and 6, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।